अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चस्का विद एमएच। एमएच मींस मिनाहिल हफीज़। तो आज ममा के स्कूल में, सिटी स्कूल उकाड़ा कैंपस में कवाली नाइट जो है वो अरेंज की गई है, तो सोचा कि मैं तो साथ जा ही रही हूँ लेकिन आपके साथ भी इस सारे एटमॉस्फेयर को, इस सारे व्यू को शेयर करती हूँ। कवाली नाइट विद बॉनफायर, ये देखिए बॉनफायर की तैयारी हो रही है और अभी कुछ देर बाद जो है ना यहाँ पे जो सारा सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ कि जो डेकोरेशन टीचर्स ने जो जितना हार्डवर्क दिन में किया है वो सारे का सारा आपको दिखाती हूँ। टीचर्स की एफर्ट्स या जो सारा स्टाफ है उन्होंने इसको कैसे डिकोर किया, ये देख लें। डे टाइमिंग जब इसकी तैयारी अभी स्टार्ट हो रही थी तो कुछ सीन्स जो हैं वो तब मैंने आपके लिए कैप्चर करवाए थे मम्मा से कह के। तो ये देखें, रेड कारपेट जो है वो बिछ चुका हुआ था और ये सारा दिन के अंदर जो है इसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। और वो देखें आप, स्टेज पे वर्किंग्स जो है वो जारी है, लाइट्स लग रही हैं और एक जो है वो फ़ोटो बूथ की तैयारी हो रही है। ये देखें लाइट्स और ये देखें बन रहा है, अभी फ़ोटो बूथ अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। ये देखें, अगर आप देख पा रहे हो, लाइट्स सारी की सारी जो है ना वो लगा दी गई हैं यहाँ पे। बाकी फिर रात का व्यू मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि अभी एक्चुअल में जो है वो कवाली नाइट और उसका व्यू कैसा लग रहा है। लेकिन सोचा कि कुछ जो है ना वो बिहाइंड द सीन जो तैयारियाँ हो रही थी वो भी आपसे कुछ शेयर की जाएँ। ये देखें, सारे के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और फिर जो है उसके बाद जो है वो एंड रिज़ल्ट रात में जो कैसा लगता है वो भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। ये आप देख लें, ये देखें दिए तैयार करके रखे हुए हैं क्योंकि ये फ़ोटो बूथ पे जाएंगे और उस पर जो है इसके साथ ये देखें कुछ डिकोर के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। ये देखें तैयारी हो रही है यहाँ पे और ये शाम को आई होप कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ले जी, गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों ने तो आते ही सबसे पहले जो है वो खाने पीने पे अटैक कर दिया हुआ है। यहाँ पे दो स्टॉल्स का अरेंज किया गया था, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं। ये आप देख लें, एक तो बारबेक्यू चल रहा है यहाँ पे, बारबेक्यू था साथ में मलाई बोटी, ये लाइव बारबेक्यू चल रहा है और बच्चे जो हैं वो आते ही उन्होंने जो है ना अपने खाने पीने का प्लान कर लिया। इसके अलावा एक साइड पर एक और कॉर्नर था जहाँ पर शावरमा था। और ये बहुत ही, एक तो सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है और यहाँ पे खड़े होके बहुत मज़ा आ रहा है कि थोड़ा सा जो है ना मैं वार्म हो गई हूँ यहाँ पे खड़े होके। ये देखें लाइव बारबेक्यू की तैयारी हो रही है और इसके साथ साथ आपको डिकोर ये देखें जो हमने देखा था दिन में और अब ये रात में दियों के साथ किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और ये टीचर्स की बड़ी ही खूबसूरत जो है ना वो एक काविश है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखें आप, यहाँ पर जब पिक्स लेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यही लाइट्स सारी की सारे स्कूल में लगाई गई हैं। ये आप मेन एंट्रेंस से मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्कूल की मेन एंट्रेंस। यहाँ से आपको देखेंगे लाइट्स विद रेड कारपेट, गेस्ट आ रहे हैं अभी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोग्राम स्टार्ट होने की तैयारी होती जा रही है। ये एडमिन ब्लॉक और उसके बाद यहाँ पर हमारे गेस्ट साथ साथ चलते जाएँ और देखते जाएँ। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होपफुली कि रश बढ़ता जाएगा। नमस्कार, मैं मुबारक अली खान का नेशनल सवाल है तो बिगेन टू देम। नमस्कार अली खान, मुबारक अली खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे छोटे किसान कबाब मुबारक अली खान अपने सवाल आए जी। जैसा कि देखा कि कवाल हमारे जो हमारे गेस्ट हैं वो आ चुके हैं स्टेज पे और यहाँ पे बॉनफायर की भी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। गेस्ट हमारे देखें इंतज़ार में हैं कि कब ये स्टार्ट हो और बहुत ज़्यादा बहुत मज़े की सर्दी है इस वक्त, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है।
कि आप कवाली नाइट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ साथ कर रहे होंगे। कितना अच्छा मौसम है और इसमें अब सोचा कि भूख लग रही है काफ़ी, और अभी मैं यहाँ से दो शावर में लेके जा रही हूँ और इनको इसी मौसम में विद कवाली नाइट इंजॉय करूँगी। और साथ साथ आप भी आई होप कि बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ देखते जाएं वीडियो और इंजॉय करते जाएं। मैं अपना फूड भी साथ में इंजॉय करने लगी हूँ। एक लुक आपको सर थोड़ी सी गैदरिंग की दोबारा से दिखाती हूँ। अब देखें इस वक्त पीक पे है जो है वो सर्दी भी और गेस्ट भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है ना वो छोटे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि एस सच उनको कवाली में तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया जाए और मज़े मज़े के खाने खाए जाएँ। कवाली यहाँ पर चल रही है और सब जो है ना वो इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप ऐसे ही साथ देखते चलें और इंजॉय करते जाएँ। Yeah.
अंदा की बोले।